माता जी के दिल से शादी हो रही थी, पूछा मैं कि एक बात बताओ माता जी, गाली तो बहुत अच्छी गाती हो, जय कारो भी चुखाए या भूरा भी चुखाए, जय डसे कालिया नाग, तो या तो डसे लड़की के पिता को जिसने धन नहीं दे पाया हो, और या डसे लड़के के पिता को, बेचारे बरातियों को भोजन कराओ तो कराओ, न कराओ तो बेचारे घर जाकर के खा लेंगे, लेकिन इनको डसने से इनके बच्चों का क्या होगा, ये कोई गालियां सिखाई जाती है। अरे जनकपुर की गाली, अरे हरे हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन राम आए, हरे हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन राम आए, जबई सिया जी की लिखत लगनिया, जबई सिया जी की लिखत लगनिया, वेद पढ़न ब्रह्मा आए, हरे हरे बांस मंडप जाए, वेद पढ़न ब्रह्मा आए, हरे हरे बांस मंडप जाए। ये सुंदर सुंदर गाली राम जी चले, सखियों ने सोचा राम जी जा रहे हैं और हम एक बार भी नहीं बोल पाए, तो चलते हुए राम जी को बोला, लेकिन राम जी नहीं बोले तो सखियों ने गाली गाना प्रारंभ कर दिया। अरे सुनो सुनियो, अरे सुनो सुनियो, सुने ना के दमाद जू, बोलियो न हमरी आर जो, सुनो सुनियो सुने ना के दमाद जू, बोलियो न चारे चैतन में होई जइयो, घर में पढ़ के जइयो, शांता के संग ना बिरमइयो, चारे चैतन में होई जइयो, घर में पढ़ के नारे जइयो, शांता के संग ना बिरमइयो, चारे चैतन में होई जइयो, घर में पढ़ के नारे जइयो, शांता के संग ना बिरमइयो, चारे चैतन में होई जइयो, घर में पढ़ के नारे जइयो, शांता के संग ना बिरमइयो। ऐसी बातों में, ऐसी बातों में हो वे विवाद जो, बोलियो ना हमरी याद जो, सुनो सुनियो सुने ना के दमाद जो, बोलियो ना हमरी याद जो। हे राम जी, चार चरण में आते जाते रहना, शांता के संग मत बिरमा जाना, शांता के साथ मत बिरमा जाना। लक्ष्मण जी बोले कि भैया मैं तो बोलता हूँ। राम जी ने कहा कि भैया ये तो ससुराल है, और ससुराल की सखी नहीं, ससुराल का तो कुत्ता भी बड़ा प्यारा लगता है, ससुराल से बोलना नहीं है। लक्ष्मण जी फिर रुक गए, अब सखी ने और बढ़ करके यह विरोध कर दिया, अरे तुम्हारी तो बहन भी ऐसी है, अब तुमरी पे नाके यो रंग भाज गई संगीत से संग सुन के तुमरे गाओ जंग, तुमरी पे नाके यो रंग भाज गई संगीत से संग सुन के तुमरे गाओ जंग। ऐसी बातों में, ऐसी बातों में हो गए विवाद जो, बोलियो ना हमरी याद जो, सुना सुनियो सुने ना के दमाद जो, बोलियो ना हमरी याद जो। अरे तुम्हारी याद तो बहना ऐसी है, बताओ इनको कोई राजा नहीं मिला तो सिंह वाले बाबा के साथ ही विवाह कर दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं तो बोलूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं, ससुराल में तो झुक करके रहना ही अच्छा है। फिर लक्ष्मण जी रुक गए, तीसरी बार सखियों ने और बढ़ करके विरोध किया, तुम्हारी तो बहनों को छोड़ो, तुम्हारी तो माता भी ऐसी है, अवधपुरी की ऐसी बाम ना रखे पतियों से काम, पतियन को कर रही बदनाम, अवधपुरी की ऐसी बाम ना रखे पतियों से काम, पतियन को कर रही बदनाम, खीर खाए के, खीर खाए के होई ये औलाद जो, बोलियो ना हमी याद जो, खीर खाए के होई ये औलाद जो, बोलियो
लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो हमारी माताओं को ही बदनाम कर रही है। लक्ष्मण जी बोल पड़े कि भैया अब तो मैं बोलूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा सखी हमारे यहाँ तो यज्ञ होता है, रानियों को प्रसाद दिया जाता है, तो 9 महीने के बाद में रानी के घरों से बालक होता है और तुम्हारे जनकपुर में लाहौर से होती नाबाद के मोल से होती लाहौर से होती नाबाद के मोल से होती लाहौर से होती नाबाद के मोल से होती देखो जनकपुरी में देखो जनकपुरी में छोरी धरती फोड़ के होती देखो जनकपुरी में छोरी धरती फोड़ के होती जनकपुरी की सुनो कमाल हल जोतन जाते महाराज खेत कन्या लेत निकाल जनकपुरी की सुनो कमाल हल जोतन जाते महाराज खेत कन्या लेत निकाल हमने ऐसी सुनी है महाराज लियो ना हम भी सुनो सुनियो सुने ना खेत मार अरे हमने तो ऐसा सुना है कि तुम्हारे यहाँ तो राजा जाता है हल लेकर के खेतों में से कन्या पैदा हो जाती है। सखियों ने समझा कि छोटे सरकार नाराज हो रहे हैं, छोटे सरकार से कहा नाराज हो गए। अरे लला बुरा न मानो हम तो तुम्हारी सरे सारी सासुर लगे तुम्हारे बुरे न मानो लला हमारी हम तो तुम्हारी सरे सारी सासुर लगे तुम्हारी बुरे न मानो लला हमारी प्रेम बंधन के प्रेम बंधन की रखियो मर्याद बोलियो ना हम यार तो सुना सुनियो सुनना खेत मार बोलियो ना हम यार तो सुना सुनियो सुनना खेत मार बोलियो ना हम यार तो सुना सुनियो सुनना खेत मार बोलियो ना हम यार तो बोलियो ना हम यार तो बोलियो ना हम यार तो बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज किशोरी जी को विदाई लेकर के और ये अयोध्या में आए, अयोध्या में बड़ा आनंद आ रहा है और भैया थोड़ा सा विलंब हो गया, कोई 5-7 मिनट ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। अब आपके समक्ष में जिन भैया को प्यास होगी वो जल पान वहीं करेंगे और 10-5 मिनट का विश्राम है। हमारे भैया तब तक भजन सुनाते रहेंगे, तब तक आप जलपान पीने वाले जलपान करें, फिर तो रसगुल्ले रूपाय विश्व इत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। अरे मेरे राम जैसा कोई राजा न होगा, 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 मेरे राम जैसा कोई राजा न होगा।
सर भी देख परमेश्वर में देखे ईश्वर जी देख परमेश्वर भी देखे ईश्वर भी देख परमेश्वर भी देखे ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे सर भी देख परमेश्वर राम जैसा परमेश्वर ने देखा कोई राम जैसा कोई राजा ने देखा मेरे राम जैसा कोई राजा ने देखा मेरे राम जैसा कोई राजा ने देखा मेरे राम जैसा लागे भी देख महाराज देखे महाता भी देखे प्यारी भी देखे महाता भी देखे प्यारी भी देखे महाप्यारी भी देखे देखे महाजान त्यागी अतैराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवत सोम सूर्ययो राजां चोभय वंशानां चरित परमाद्भुतम् राजोवाच परीक्षित जी कहने लगे महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो आपने अभी अभी सूर्य वंश का वर्णन किया मैंने ठीक प्रकार से सुना सोम तुमने चंद्र वंश का वर्णन किया मैंने ठीक प्रकार से सुना लेकिन महाराज राज्याम चोभय वंशानाम चरित परमा अद्भुतम अरे वो परब्रह्म परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान जिस यादव वंश में प्राकट हुए या वंश की कथा को हमें श्रवण करावे
यदोसम धर्मसी रस नितराम मुनि सत्तमम तत्रा सेनावती रसा विष्णु वीरान संसना। वो यशोदा के यादव वंश में देवकी के उदर से कृष्णचंद भगवान प्रकट हुए। या वंश की कथा को हमारे प्रति आप श्रवण करावे। हंस करके सुखदेव जी ने कहा कि राजन यादव वंश में वसुदेव जी के यहां कृष्णचंद भगवान प्रकट हुए। ये 10 वर्ष तो वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 1 वर्ष गोकुल में निवास किया और 100 वर्ष द्वारका में प्रवेश करके गौलोक को चले गए। ये थी यादव वंश की कथा। परीक्षित ने कहा मारे यादव वंश की कथा हो गई? हाँ के 125 वर्ष कन्हैया जी रहे और चले गए। अरे महाराज जिनके लिए तो मैं बिल्कुल आतुर होकर की कथा सुनने की तैयारी कर रहा था, अन्य वंशों को तो धीरे धीरे निकाल दिया जाए और इस यादव वंश को तो विस्तार से कथितो वंश विस्तार हो, बहुत बड़े विस्तार से कथा को सुनाओ। जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, मैं तो माँ के गर्भ में अस्वस्थ माँ के ब्रह्मास से निर्जीव हो गया और जिन्होंने मुझे सजीव बनाया, ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया, उनके वंश को तो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। अच्छा राजन तुम्हारी जिज्ञासा तो सुनिए। एक गाधी नाम के राजा हुआ है और गादी के यहां विश्वामित्र नामक बालक प्रकट हुआ। यह विश्वामित्र भी कैसे हुआ था देखिए, गादी महाराज के कोई बेटा नहीं था, इनको रेणु भी कहने लगे। एक बार ऋषि कृषि पहुंचे कि महाराज मैं आपकी कन्या का दान लेना चाहता हूं। ऋषि श्राप दे देंगे तो कन्या का दान दे दिया। ऋचिक ने अपने बेटा जमदग्नि के साथ विवाह किया और ये तपस्या में बैठ गए। 5 वर्ष के बाद में ऋचिक अपने आश्रम पे आए, देखा कि कोई अपने आश्रम में कौतूहल नहीं है। और कौतूहल कौन करे, नन्ना बालक हो तभी तो कौतूहल हो गए। सो धीरे से कहा कि अभी पोता का जन्म नहीं हुआ तो इन्होंने एक अनुष्ठान किया। रेणुका को पता चल गया, ओहो ये मेरे लिए पुत्र के लिए अनुष्ठान कर रही हैं। सो धीरे से कह दिया पिताजी मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो ऋचिक ऋषि ने 2 अनुष्ठान किए। अब एक तो क्षत्रिय के ग्रह के लिए उन्होंने अनुष्ठान किया, 2 चरु बनाए और एक ब्राह्मण के लिए। तो क्षत्रिय का तेज होना चाहिए और ब्राह्मण को शांति होना चाहिए। तो इन्होंने तो सातकी यज्ञ वो तेजस्वी यज्ञ दोनों मंत्र पढ़ते 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 और जब रोलों को पिलाने का समय आया तो रख दिया। लेकिन रेणुका की माँ को थोड़ा सा भ्रम हो गया कि अपनी पुत्र वधु को तो ये अच्छा मंत्र पढ़ करके बना रहे होंगे और मुझे ठीक से नहीं बनाया होगा। तो अपनी जगह तो बिटिया का कलश रख दिया और अपना कलश बिटिया की जगह रख दिया। ऋषि ने दोनों को प्रसाद पवाया। दोनों ने जब चरुपान कर लिया, 9 महीने के बाद में एक बेटा इनके यहां हुआ, एक रेणुका के यहां हुआ। जो क्षत्रित मंत्र पढ़ करके बालक प्रकट हुआ वो कन्या को मिल गया था। तो परशुराम ब्राह्मण होकर की तो शांति की बात, ज्ञान की चर्चा करना चाहिए, लेकिन क्षत्रित मंत्र से प्रकट होने से फरसे की बात करता है। और जो राज करने वाला था वो ब्रह्मर्षि बन गया। आज ये विश्वामित्र, विश्वामित्र के 100 बेटा हुए, सबसे बड़ा नहुष। और नहुष के यहां यति ययाति संयाति आयति प्रकृति और कृति। यह ययाति के साथ में गुरु की कन्या के साथ विवाह संस्कार हुआ। ये गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। एक बार क्या हुआ,
एक राजा बृहस्पर्वा थे जिनकी कन्या का नाम था शर्मिष्ठा और गुरु की कन्या का नाम था देवयानी। और गुरु की कन्या में और राजा की कन्या में बड़ा प्रेम। एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी विचरण करते करते जंगल में चली गई। कुएं में ऊपर जल बह रहा था। देवयानी बोली, बहन स्नान नहीं कर ले? बहन बस तो लाई नहीं है। कहिया कोई नहीं है, वस्त्रों को उतार करके रख दो और निर्वस्त्र स्नान कर लो। निर्वस्त्र स्नान कर लो, कौन देख रहा है? तो अपने अपने कपड़ों को तो उतार दिया। कपड़ों को उतार करके स्नान कर रही है, उधर से राजा ययाति का आना हो गया। शर्मिष्ठा बोली, बहन मैं जानते कोई पुरुष आ रहा है, जल्दी से दोनों निकली। अब एक जैसे कपड़े सुदेव यानी के कपड़ों को शर्मिष्ठा ने पहन लिया। देवयानी बोली, अरे कुकरी मेरे कपड़ों को तो तू पहन सकती है पर तेरे कपड़े मैं थोड़ी पहन सकती हूँ। क्या यज्ञ का भाग खाना चाहती है? क्षत्रिय की कन्या को क्रोध आ गया, सो ऐसा धक्का लगाया कि देवयानी कुएं में चली गई और शर्मिष्ठा भाग गई। उधर से राजा ययाति आए, कराहती कन्या को देख करके हाथ पकड़ करके ऊपर निकाला। निर्वस देख करके अपना पीतांबर उसके ऊपर डाल दिया। बेटा तुम किसकी कन्या हो? आप बता दो, मैं तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। देवयानी बोली कि मेरे पिता के पास तो तब जाऊंगी, तुमने तो मेरा पाणी ग्रहण कर लिया। पाणी ग्रहण क्या होता है? पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना, इसको कहते हैं पाणी ग्रहण। तुमने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, ऊपर को खींच लिया, तुमने तो मुझे वर्ण कर लिया, मेरे पति तो आप ही बनोगे। तुम मेरे गुरु की कन्या, तुम्हारे साथ में कैसे विवाह कर सकता हूं? कि नहीं महाराज, अब तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मुझे श्राप लगा हुआ है कि क्षत्रिय पति मिलेगा। देवयानी को क्षत्रिय पति का कैसे श्राप लग गया? एक बृहस्पति जी का बालक था जिसका नाम था कच्छ। मत संजीवनी विद्या को केवल अकेले शुक्राचार्य जी जानते थे। कच्छ ने कहा, पिताजी मैं विद्या को सीखना चाहता हूं जो मत संजीवनी हो। तो बेटा बोलता, शुक्राचार्य जी के पास में तो मुझे सिखाएंगे कि अवश्य जाओ। कच्छ गया से शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज मैं शिक्षा लेना चाहता हूं मत संजीवनी। हाँ बेटा सिखाऊंगा। बरसों तक अपने आश्रम में रख करके गुरु बृहस्पति जी के बेटा कच्छ को शुक्राचार्य जी ने विद्या का अध्ययन कराया। विद्या अध्ययन करके मृत संजीवनी विद्या सीख करके चले। सो कहा, गुरु जी दक्षिणा क्या दे दूं? बेटा आश्रम ठीक प्रकार से चल रहा है, कोई दक्षिणा नहीं है। नहीं गुरु जी बता दो कि नहीं कोई दक्षिणा नहीं है। बालक पैर छू करके निकला, सो इनकी कन्या थी देवयानी, वो बोली, ए कच्छ पिताजी को दक्षिणा नहीं, दक्षिणा मुझे देना पड़ेगा। तो बहन जी बताओ क्या दे दूं? आप बता दो, मैं दे दूंगा। कि दक्षिणा में तुम्हें ये देना है कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो। कच्छ ने कहा, वो क्या कहती हो तुम? मेरे गुरु की कन्या, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूं? तुम मेरी बहन हो, धर्म की बहन हो। कि नहीं तुझे विवाह करना पड़ेगा। बहन विवाह तो मैं नहीं करना कर सकता। देवयानी बोली, तो जाओ तुझे मैं श्राप देती हूं कि मेरे पिता की दी हुई शिक्षा तेरी निष्फल हो जाए। अब इसकी विद्या निष्फल हो गई। उसने कहा, मेरी मेहनत पे पानी तुमने फेर दिया, तो जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा। तो महाराज मुझे तो क्षत्रिय के घर जाना है, मेरे पिता का आदेश ले लो। तो ययाति महाराज आए, तब द्रोण गुरुजी ने शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह ययाति महाराज के साथ में कर दिया। अब राजा बृहस्पर्वा आए कन्या शर्मिष्ठा को लेकर के, मरे तुम्हारी कन्या का, मेरी कन्या ने अपराध कर दिया है, इसको क्षमा कर दो। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन कन्या से पूछ लो, मैं क्या क्षमा करूंगा, मेरे यहां तो क्षमा ही है। देवयानी से पूछा कि बेटा तेरी छोटी बहन है शर्मिष्ठा, इसको क्षमा कर दे।
देवयानी ने कहा कि मैं क्षमा तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त रहेगी। क्या? कि जहां मेरा विवाह होकर के जा रहा है वहां ये दासी बन करके चले तो मैं क्षमा कर दूंगी। बृहस्पर्वा ने पूछा, क्यों बेटा ऐसा कर सकती हो? हाँ पिताजी, मैं दासी बन करके चलूंगी। तो राजा की कन्या दासी बन करके गई, गुरु की कन्या रानी बन करके गई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा ययाति, इसको दासी बना करके ले जा रहे हो, और कहीं इसको तुमने रानी बना दिया तो मैं श्राप देता हूं कि तुम में बुढ़ापा आ जाएगा। देवयानी से यदु नामक, पुरु नामक बालक हुआ, सात बेटा हुए। एक दिन सुंदरता पर मोहित होकर के शर्मिष्ठा की सुंदरता देख करके राजा वशीभूत हुआ और रानी बनाया। रानी बनाते ही जीर्ण शीर्ण हालत हो गई, वृद्धावस्था आ गई। अब शुक्राचार्य जी से कहा कि महाराज, मुझसे अपराध तो हो गया, तो भैया दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होता है, पर कोई जवानी को दे दे तो ले लो। ऐसा मूर्ख कौन होगा जो बुढ़ापे को ले लियो जवानी को दे दे। राजा ने सब जगह भ्रमण किया लेकिन किसी ने जवानी नहीं दी। तब अपने बेटा पुरु से कहा कि बेटा मेरी इच्छा अभी और है, क्या तुम मुझे जवानी दे सकते हो? पुरु ने कहा, पिताजी तुम बुढ़ापे को मुझे दे दो, मेरी जवानी को ले लो। तो इन्होंने अपने पुत्र की जवानी को ले लिया और अपना बुढ़ापा पुत्र को दे दिया। बहुत वर्षों तक ये विचरण किया। इसके बाद में सबसे छोटे बेटा पुरु को ही गद्दी पर बिठा ले करके और ये तपस्या के लिए निकल गए। अब पुरु ने शासन किया, पुरु ने शासन किया तो इनके यहां यदु नामक बालक उत्पन्न हुआ और यदु के यहां देवमीण नामक बालक उत्पन्न हुआ। देवमीण के यहां अर्जन्य परजन्य दो पत्नियां थी, तो अर्जन्य से सूरसेन नामक बालक उत्पन्न हुआ और सूरसेन के यहां बसदेव नामक बालक उत्पन्न हुआ। एक राजा थे भोजवंशी, एक राजा थे लिपिवंशी। तो लिपिवंशी कौन थे? देखिए राजा निमी, बोलिए से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा निमी ने एक बार वशिष्ठ महाराज को आदेश की दिया कि महाराज मैं यज्ञ कराऊंगा। यज्ञ का मुहूर्त निकल गया, सामग्री आ गई, अब इंद्र को पता चल गया। सो वशिष्ठ से कहा कि महाराज इस मुहूर्त में तो मेरे यहां यज्ञ होना है। जबरदस्ती इंद्र वशिष्ठ को ले गया। निमी ने कहा कि महाराज मेरा यज्ञ अधूरा रहेगा। वशिष्ठ निकल गए तो अन्य ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। तब तक वशिष्ठ दौड़ करके आ गए और देख करके कहा कि राजन तुम्हें मुझे निमंत्रण दे करके अन्य ब्राह्मणों से आपने युद्ध यज्ञ कराया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। अधूरे यज्ञ में ही शरीर नष्ट हो गया, अधूरे यज्ञ में शरीर नष्ट हुआ। ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ अधूरा तो रहता नहीं, पूरा होकर की रहेगा, तो यजमान को किसको बनाए? तो इस राजा निमी के शरीर का मंथन किया। मंथन करने से समय से मैथिल नामक बालक जिसका नाम था शीरथ ध्वज, जनक माने पिता से पैदा होने से इनका नाम पड़ा जनक, जन्मना जनक। लेकिन ऋषियों के प्रसाद से बड़ा ज्ञानी बालक, बड़ा प्रकांड ज्ञानी। इन्होंने कभी दंड उठाया करके अपनी प्रजा को नहीं चलाया, केवल ज्ञान से ही अपना शासन चलाया। एक बार राजा जनक को रात्रि में स्वप्न हुआ, रात्रि में स्वप्न हुआ कि राजन ये सत्य है कि वो सत्य है। और देख क्या रहे स्वप्न में, रात्रि को स्वप्न में देख रहा है कि 40 दिन तक राजा भूखा है और 40 दिन बाद एक काठ की हंडी में चावल पका रहा है। काठ की हंडी में एक बार ही चावल पकता है। चावल को ठंडा कर रहा था तब तक श्वान आया, उच्चिष्ट कर गया। राजा ने कहा, हो मैं तो भूखा रह गया। अब तब तक नेत्र खुल गए, अरे मैं तो मंच पर गद्दी पे बैठा हुआ हूं, ये स्वप्न सत्य है कि ये सत्य है? विद्वानों को बुलाया,
विद्वानों से पूछा कि मारे बताओ कि ये सत्य है कि वो सत्य है, और कोई तो कह दे कि ये सत्य है, कोई कह दे वो सत्य है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ विद्वानों को जेल में डालता रहा। एक पिंगल ऋषि वो भी आ गए जेल में, इनका बेटा हुआ था अष्टावक्र। अष्टावक्र जब मां के गर्भ में था तो पिताजी क्योंकि बालक के गर्भ में हैं तो गीता का ज्ञान करा रहे थे, गीता सुना रहे थे। गीता सुनाते समय और विसर्ग की कमी रह गई तो मां के पेट के अंदर से आवाज आई, पिताजी कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम सध मूर सचेता। इसमें यहां विसर्ग की आप कमी कर रहे हो। पिंगल सिंह का बताओ मां के गर्भ से मुझे डांट रहा है और बाहर आऊंगा, बाहर आकर के क्या करेगा? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे आठ जगह से अंग टेढ़े हो जाए। पिंगल सिंह जेल में पहुंच गए, बालक का जन्म हुआ, नाम रखा अष्टावक्र। माता जी से पूछा, माता जी मेरे पिता बेटा यजमानों के पास चला गया है, एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष झूठ बोलती नहीं। एक दिन पूछा, पिताजी आए नहीं? तो तेरा पिता राजा जनक की जेल में पड़ा है। क्यों? क्या प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका? अष्टावक्र आया, ऐसे ही सभा भरी थी तो पूरी सभा में अष्टावक्र जी को देख करके लोग हंसने लगे क्योंकि आठ जगह से शरीर टेढ़ा था। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन मैं तो एक ज्ञानी की सभा समझ करके चलाया, क्यों कि ई कसेन गणना का मिठास जात नीरना नसात है कुटिल कंगारों से। आया था ज्ञानियों की सभा समझ करके, लेकिन ये सभा तो शूद्र गवारों की, मैं तो एक विद्वान की सभा समझ करके चला आया, ज्ञानी की सभा समझ करके चला आया, लेकिन ये तो शूद्रों की सभा है। मेरे ज्ञान की पहचान नहीं की, मेरी चमड़ी की पहचान की। चमड़ी की पहचान तो सूत्र करता है। राजा तुरंत ही मंच से उतर करके नीचे आया, आओ महाराज बैठिए। मंच पर बिठा लेकर के कहा कि बताइए जल्दी, मुझ पर समय नहीं है कि राजन ये बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है। कि राजन न तो वो सत्य है कि तुमने स्वप्न देखा कि 40 दिन तक भूखे रहे, चावल खाने की तैयारी में थे, स्वान उच्चिष्ट कर गया, तुम नहीं खा सके, तो वो भी सत्य नहीं है, वो स्वप्न की संपत्ति है, और सत्य जिस पर तुम बैठे हो वो भी नहीं है। पता नहीं तुम जैसे कितने राजा इस गद्दी पे बैठ गए हो, कितने बैठ जाएंगे, कितने चले गए हो, कितने चले जाएंगे। लत राजन ये सत्य है और न वो सत्य है। तो सत्य क्या है? बस वो परम परमात्मा। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा। जाएगा जब यहां कपन का टुकड़ा तेरा जाए बदलासी कुछ भी न पास होगा, दो बजे कपन का टुकड़ा उठा लेगा
आज ऐसे महाराज जनक जी के यहाँ ये कारण तो ये सत्य है न वो सत्य है राजन वो परमात्मा सत्य है। राजा उतर करके नीचे आया मंच पर पूजन किया दक्षिणा क्या दे दूं
दक्षिणा में यही है, सभी ब्राह्मण को ससम्मान निकाल करके स्वर्ण मुद्रा दे करके पलकी में बिठा लेकर के यथोचित स्थान पहुंचाइए। ऐसे जनक महाराज इन्हीं में वंश में हुए भोजवंशी। भोजवंश में एक राजा भोज, इनके बेटा हुए थे देवक और उग्रसेन। उग्रसेन का बेटा हुआ कंस, पर कंस इतना उत्पाती था कि तरुणावस्था में अपने पिता चाचा को तो जेल में डाल दिया और स्वयं ही राजा बन गया। चाचा देवक की सात कन्या थी जिसमें छह कन्या का विवाह संस्कार बसदेव जी के साथ में देवक ने किया। सबसे बड़ी कन्या है प्रमुखा और उससे छोटी है कल्याणी, उससे छोटी है भद्रा, उससे छोटी है सैनजिता, उससे छोटी है प्रमुखा, उससे छोटी है गोरखे और सातवीं कन्या थी देवकी। लेकिन छह कन्याओं का विवाह तो इन्होंने अपनी आगे बसदेव जी के साथ में कर दिया। जेल में पहुंचने पर देवकी को तरुणावस्था में देख करके कंस ने सोचा ये मेरी चाचा की कन्या है, लेकिन इसने अधिक था, कहां विवाह करूं, क्यों नहीं इसको भी बसदेव जी के साथ ही दान कर दूं। बसदेव जी से कहा कि महाराज ये कन्या का दान मैं आपको देना चाहता हूं। सरस बसदेव जी ने ले लिया। अनेक धेनु दास दासी दहेज में दे करके बहन को विदाई देने के लिए जा रहा है, लेकिन रास्ते में फते प्रग्रहण कसमा मल्लाप द्वादा शरीर भागो अस्या स्वाम सो नावो हंतया बहते अद्भुता। आकाश मार्ग से आकाशवाण ही पथिक ग्रहणा, अरे पथिक में रस्ते में तू जाने वाली यही बहन का आठवां गर्भ होगा, वो तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस ने दिव्य रथ से उतर करके बहन के केस पकड़ करके नीचे उतारा, खड़ग निकाल करके सिर को काटना चाहता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसरी, काटना चाहता है। बसदेव जी उतर करके आए। ओहो भो रहा थोड़ा सा रुकिए, वीर पुरुष कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते। अबला पे हाथ उठाने वाले बालकों का वध करने वाले, अग्नि लगाने वाला, विष को खिलाने वाला, शस्त्र से चोट पहनाने वाला, इनकी गणना आता ताई में होती है। आप नहीं, अरे इससे आपका बैर है किसकी संतान से? संतान से तो तुम अपने पास रख लो, आठवीं संतान हो उसे मार देना। बुद्धि में आ गई तो तुरंत ला करके जेल में डलवा दिया। एक वर्ष बाद में एक बालक प्रकट हुआ। बसदेव जी सूप में रख करके बालक को ले गए, कंस महाराज को दिया और कंस महाराज से कहा कि महाराज ये प्रथम बालक पैदा हुआ है, देखा कितना सुंदर बालक है, कारी घमराली अलका बलियां हैं, किरोरी जैसे ओष्ठ हैं, इनके मृग जैसे नेत्र हैं, लंबा मत्था है, गौर वर्ण का है, दिखने में बड़ा सुंदर है, मेरे मरने वाला तो आठवां है, इससे मुझे क्या दुश्मन, बसदेव जी ले जाओ। लेकिन ऋषियों ने सोचा कि जहां दया आ गई तो भगवान का अवतार नहीं होता है। भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, अत्याचार होगा तभी तो भगवान का अवतार होगा। तुरंत ही नारद जी को पहुंचाया, नारायण नारायण, आइए महाराज आइए महाराज, और आकाशवाणी का क्या हुआ? कंस बोला महाराज अभी अभी एक बालक ने जन्म लिया, बालक को मैंने वापस कर दिया, तो मेरे मालने वाला तो आठवा है, इससे मुझे क्या दुश्मनी। एक कमल का फूल उठा करके दिया, आठ जिसमें दल थे, आठ पंखुड़ी थी, गिनो तो इसमें कौन सी पहली है कौन सी आठवीं है। अब जहां से गिने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इधर से गिने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, बड़ी असमंजस में आठवा कौन सा, मेरा समझ में नहीं आ रहा।
कहीं आठवा तो नहीं है। नारायण नारायण। नारद जी तो निकल गए, अब ब्रह्म में पड़ गया। मैं आठवें के लिए बैठा रहूं और यही आठवा हो। पकड़ करके लाया, आकाश मंडल में घुमाया, पृथ्वी पे डाला, एक बालक नष्ट हो गया। दूसरी वर्ष में दूसरा, छह वर्ष में छह बालक नष्ट कर दिए। राम जी बोले शेष अवतार भैया लक्ष्मण से, चलो द्वापर युग आ गया है, लीला पूर्ण करना है, चलिए ना। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। क्यों महाराज? तुमने मैं छोटा बन करके चला तो सीता जी का प्रत्याग मेरे हाथों से करवाया। मैं बड़ा होता तो मातेश्वरी का प्रत्याग करता। राम जी ने कहा भैया पहले छोटे बन गए तो अब की बड़े बन जाओ, पर चलो तो सही, हम बड़ा बनकर चलूंगा। सातवें गर्भ में शेषावतार आए और शक्ति से कहा कि चलिए, कि नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगी, तुमने तो एक रजक के कहने से मेरा प्रत्याग कर दिया, अब की बार तुम इतने समय के लिए चलिए, तुम सातवें गर्भ का खंडन करके रेव रोहिणी के उदर में प्रवेश कराओ और तुम जाकर के यशोदा के यहां जन्म धारण कर लो। शक्ति ने सातवें गर्भ का स्खलन किया, खंडन किया, लेकर के रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया और स्वयं जाकर के मैया यशोदा के उदर में पहुंच गई। और नंद बाबा के यहां भी संसार को यश प्रदान करने वाली यशोदा, यशम ददाती स यशोदा सा आनंद सह नंद, संसार को यश प्रदान कराने वाली यशोदा के यहाँ कोई बेटा नहीं है। 60 वर्ष की उम्र में गर्भ में बालक आया, नंद बाबा को परम खुशी होने लगी, ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान होने लगा, पुत्रेश यज्ञ होने लगी, गोपाल सहस नाम के पाठ चल रहे हैं, बालक हो जाए बालक हो जाए। नंद बाबा पूजा में बैठे हैं पर मन तो बालक के पास में रखा हुआ है। जब नौवा मास आया, अपनी बहन सुनंदा के पास में पहुंचे, बहन चल तेरी भाभी आलस में है। अरे भैया जी कहा कहते हो, मेरी भाभी कोई आलस में है? समझ गई सुनंदा, तुरंत ही भाई के साथ आ गई। भैया कोई अच्छा सा हो गया तो 9 लखार लूंगी, बहन जरूर दूंगा। और सुनंदा पहले से ही आ गई है, ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन नंद बाबा सोच रहे हैं आज समय ऐसा है, होने वाला है गयो कि ना भयो। ब्राह्मण का कि बाबा तुम तो घर पर चले जाओ, तुम्हारी जगह पूजा हम करते रहेंगे, हम कहते हैं कुछ तुम करते हो, कुछ तुम्हारा मन लगता नहीं है, सो तुम तो जाओ। ब्राह्मण अनुष्ठान करने लगे और मध्य रात्रि के 12 बजे बालक ले तो नहीं, बालिका ने जन्म लिया, बालिका ने जन्म लिया। सुनंदा को मूर्छा आ गई, अब मुझे 9 लखार नहीं मिलेगा, मूर्छित होकर के पड़ी रही। इधर में सातवें आठवें गर्भ में परब्रह्म परमात्मा आए, देवकी के उदर में सुंदर दिव्य दृष्टि हो गई। जब होनहार बालक उत्पन्न होता है, बलशाली बालक उत्पन्न होता है, तो गर्भ के समय में माता की दिव्य सुंदरता बढ़ जाती है, बड़ा सौंदर्य आता है। कंस समझ गया अब की बार मेरा काल पैदा होने वाला। एक एक की जगह 10-10 पहरेदारों को लगा दिया गया, एक एक ताले को नहीं अलीगढ़ के 10-10 तालकों को डलवा दिया गया। लेकिन परब्रह्म परमेश्वर भाद्रपद मास में और कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि बुधवार, लेकिन यहां सुखदेव जी कहते कि राजन दिशा प्रसन्न दुर्गगनम निर्मलोदयम मही मंगल भूयश्च पुर ग्राम ब्रजाकर। दिशा प्रसन्न दुर्गगनम और निर्मलोद गुणोदयम, बादों को महीना कृष्ण पक्ष और काली गर्गो रात्रि में स्वच्छ तारागण खेलने लगे। आगे लिख रहे हैं सुखदेव जी, नद्य मही मंगल भूयश्च पूर ग्राम ब्रजाकरा, सुंदर पृथ्वी बन गई, सुंदर ग्राम बन गए,
अगले श्लोक में कहते हैं नद्य स प्रसन्न सलिला हृदय जल रूह श्रिया। नदियों में सुंदर जल बहने लगा, क्या ये बात सत्य है? अरे बरसात के समय तो नदियों में भी मिट्टी का मिला हुआ जल आता है, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं कि नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जल रूह श्रिया। नदियों में सुंदर जल बह रहा है, दुजाल कुल सन्ना दस्त वक्ता करे बनराज जसरा। बन बड़े सुंदर हो गए, तो कोई असत्य बात नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा आए, सभी गण अपने अपने स्थान पर आ गए, सभी स्वच्छ तारागण खिल गए, देवता हर्ष उल्लास कर रहे हैं, नदियों में सुंदर जल बहने लगा। और अर्धरात्रि के समय पर ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, और आज वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन भैया मथुरा में तो चोरा चोरी का जन्म है, उत्सव तो गोकुल में होता है। बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सोचने लगे मैया मुझे गोकुल पहुंचा दो, बेटा यहां से तो चींटी भी नहीं निकल सकती है, तुम मुझे तो पहुंचा दो। पिताजी ने लेकर चलने की तैयारी करने लगे, आप पहुंचाओ तो सही। आज सूप में बालक को रख लिया और सूप में बालक को रख करके ले जाने लगे।